कोरोना वायरस ने चीन के साथ पूरे विश्व में इस समय कोहराम मचा के रखा है, जिसके कारण जहां चीन में कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका है, वहीं भारतीय फार्मा सेक्टर में भी इससे पड़ने वाले असर की जांच शुरू हो चुकी है। इसके तहत सभी राज्यों में एंटीबायोटिक्स जैसे दवाओं में इस्तेमाल सामग्री का भंडारण और बिक्री की जानकारी मांगी गई है। इसके लिए NPPA ने आगामी 3 मार्च तक का समय भी निर्धारित कर दिया है। दरअसल सरकार ये जानना चाहती है कि भारत दवाओं के आयात को लेकर चीन पर कितना निर्भर है। NPPA ने राज्य औषधि नियंत्रण विभागों को दिए आदेश में चीन से आयात होने वाले 58 तरह की दवा सामग्रियों का भंडारण और उनकी कीमतों में उतार चढ़ाव से जुड़ी रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इनमें पैरासीटामोल, B12, B1, B6, एस्पिरिन, एजिथ्रोमाइसिन, राइटोनेवेर जैसी दवाइयां शामिल है। दरअसल बीते कुछ सालों में दवा कारोबार को लेकर भारत ने काफी हद तक अन्य देशों पर निर्भरता कम करने का प्रयास किया है। दवाओं को बनाने में इस्तेमाल सामग्री की बड़ी खेप के उत्पादन को देश में ही बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा इसके कई अति महत्वपूर्ण दवाएं हैं जिनके निर्माण में सामग्रियां चीन से आयात होती हैं। कोरोना वायरस के चलते पिछले 2 महीने से फार्मा सेक्टर को सबसे ज्यादा प्रभावित माना जा रहा है। NPPA के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि कोरोना वायरस के कारण चीन से आने वाली आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए कमेटी ने ये जानकारी मांगी है। भारतीय बाजार में दवाओं की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि को रोकने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि इसके लिए एक फॉर्मेट को तैयार किया गया है, जिसमें मौजूदा भंडारण के अलावा नवंबर 2019 और फरवरी 2020 में दवाओं की बिक्री व मांग को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि दुनिया भर में मरने वालों की संख्या इस वक्त 3000 से भी ज़्यादा हो चुकी है और चीन में अभी तक इससे मरने वालों की संख्या 2912 हो गई है। आज की खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें Z News के साथ। धन्यवाद।